Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो मैंने कुछ महीने पहले आपके साथ एक O3 Plus का ब्राइडल फेशियल किट शेयर किया था. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे टैप करके वीडियो देख सकते हैं. तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि मैं कोई और भी ब्राइडल फेशियल आपके साथ शेयर करूं. तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई किट लेके आई हूं, जो कि है O3 Plus का ब्राइडल फेशियल फॉर रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन. तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि उस वाली किट का और इस वाली किट में क्या डिफरेंस है और किसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. सो गाइज, जैसे कि आजकल हमारे फेस पे ड्राई पैचेस हो जाते हैं, स्किन जो होती है वो काफ़ी ड्राई एंड डल हो जाती है, पिगमेंटेशन एंड टैनिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आपको फेशियल ज़रूर करना चाहिए. तो मैं लेके आई हूँ प्रोफेशनल O3 Plus का ब्राइडल फेशियल किट फॉर रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन. तो गाइज, जो ये वाला फेशियल है इसको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं. इसमें बैक साइड में सारे स्टेप्स मेंशन है. इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और जितनी भी क्वांटिटी इसमें दी गई होती है हर एक प्रोडक्ट की, वो आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, जो ये वाली किट है उसका प्राइस है ₹830 और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. एंड ऑल्सो गाइज, जो ये किट है ये ब्राइड्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं. इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और इससे काफ़ी अच्छा सा चेहरे पर ग्लो आता है. तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का पाउच मिलता है. इसमें 3-4 पाउच इस तरह से एक साथ पैक्ड होते हैं. तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलती है. इसे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है. लेकिन आज मैं आपको सारे ही स्टेप्स को प्रॉपरली करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अपने हैंड्स से फेशियल करना है, क्या मूवमेंट करना है. तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा. तो और इसमें आपको साथ में 4 पाउच मिलते हैं, इस तरह से पैक्ड होते हैं. और इसमें एक पाउच में आपको टोटल 7 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं और बाकी के 3 पाउच आपको और मिलते हैं. तो आपके टोटल 10 स्टेप्स का ये फेशियल होता है. एंड ऑल्सो गाइज, इस फेशियल किट में जिस तरह से चीज़ें पैक करके मिलती हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है. पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है. वाइट कलर के आपको इस तरह से पाउचेस मिलते हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जो ये फेशियल किट है ये सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं आप. इसमें कोई भी प्रोडक्ट की क्वान्टिटी आपको लगेगी अगर कि ज़्यादा है, आप उसे स्टोर करके रख लो आगे के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. प्रोडक्ट सारे ख़राब हो जाएंगे, आप इसे दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं. चलिए अब सबसे पहला पाउच को ओपन करते हैं, जिसमें टोटल 7 प्रोडक्ट्स दिए होते हैं. इस तरह से पाउच में ऊपर कट लगा होता है, इसे आप इजीली ऐसे भी खोल सकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अलग अलग पैक्ड करके मिलती हैं और इसका जो है रेड एंड वाइट कलर की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी. तो सबसे पहले इसमें मिलता है वाइटनिंग क्लिंजिंग फोम और उसके बाद आपको मिलता है एक वाइटनिंग टोनिक. और आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. और फिर आपको मिलता है एक डीटैन पैक, तो ये टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है. उसके बाद इसमें मिलता है वाइटनिंग सीरम और इसमें मिलता है आर्बिटिन सीरम. एंड देन यू गेट वन वाइटनिंग मसाज क्रीम और उसके बाद आपको इसमें मिलता है वाइटनिंग क्रीम SPF 30. तो इसमें टोटल 7 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और जितनी भी क्वांटिटी इसमें दी गई है वो एक टाइम के लिए परफेक्ट होती है, आपको एक ही बार यूज़ करना है. तो टोटल इसमें 7 स्टेप्स हो गए और उसके बाद आपको 3 पाउच अलग से मिलते हैं. तो चलिए फिर फेशियल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लिंजिंग. तो आपको ये पहला पाउच मिलता है जिसमें लिखा होता है वाइटनिंग क्लिंजिंग फोम. तो इस तरह से आपको ओपन करना है और अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है. सर्कुलर मोशंस में आपको इसे रब करना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए आपको इसे मसाज करना है. उसके बाद आपको रिमूव करना है. एंड ऑल्सो गाइज, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो ये फेशियल है वो फेस और नेक पे अप्लाई करना है सारे प्रोडक्ट्स, तो आप अपनी नेक को भी ज़रूर कवर करें. तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और आपको भी इसी तरह से करना है. और 2 से 3 मिनट के लिए आपको अच्छे से अपनी फेस और नेक पे इसे मसाज करना है.
सो गाइज, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने चेहरे को क्लीन करना होता है, तो फेशियल स्टार्ट करने से भी पहले हम लोगों को अपने फेस को क्लीन करना है, तो पहला स्टेप भी इसमें यही होता है, क्लिनजिंग। तो इसे मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए और अब मैं इसे रिमूव करूँगी। सो गाइज, इसे रिमूव करने के लिए आपको फेस वॉश नहीं करना है, आपको एक वेट टॉवल लेनी है और उससे आपको इसे अच्छे से रिमूव कर देना है। सो गाइज, अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, जो कि है डी टैन पैक। तो आपको इस तरह का छोटा सा पाउच मिलता है जिसमें डी टैन पैक आपको मेंशन मिलेगा, तो इसे आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है जिसपे O3 प्लस का मैंने डी टैन पैक के बारे में आपको पूरा रिव्यू दिया है, किस तरह से आपको उसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, कहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर टैप करके। तो गाइज, आपको अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक पे इसे अप्लाई करना है। मैं इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें डी टैन पैक की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम दी गई है, लेकिन आपका फेस और नेक कवर हो जाएगा, हो सकता है कि काफ़ी थिन लेयर अप्लाई हो सके। सो गाइज, इसे अप्लाई कर लिया है और अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन लगेगा और हल्की सी इचिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं डी टैन पैक में, इस वजह से ऐसा लगता है, लेकिन फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आफ्टर 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू रिमूव इट, और आपको फिर से एक वेट टॉवल लेनी है और इसे अच्छे से रिमूव कर लेना है। सो गाइज, अब आते हैं थर्ड स्टेप में, जो कि है वाइटनिंग टोनिक। तो इस तरह का आपको इसका कंटेनर मिलता है और आपको ऊपर से इसकी लिड को ब्रेक करके आपको इसे अपने पूरे पाम में लेना है और तब आपको इसे अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे अप्लाई करना है। तो जिस तरह से मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, उसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का था, तो एक बार में आप पूरा मत लीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहने लगता है। तो इस तरह से आपको अपने पूरे चेहरे पे टैपिंग मूवमेंट में आपको इसे अप्लाई करना है, और जब तक आपको टैप करते रहना है तब तक ये अच्छे से आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फ्लूइड फेशियल मशीन का यूज़ करते हैं इसको अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए स्किन में, लेकिन जो हमारे हाथों से वॉर्म्थ निकलती है टैप करके, आप उससे भी इसे अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो गाइज, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे सर्कुलर मोशन में आपको इसे मसाज नहीं करना है, इसे आपको सिर्फ टैप करना है। तो अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, जो कि है वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो इस तरह से आपको इसका पाउच मिलता है और इस क्रीम को आपको पूरा ले लेना है अपने हाथों में, अपने चेहरे पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करना है। एंड ऑल्सो गाइज, हो सकता है कि आपको लगे कि इस क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको इसको पूरा ले लेना है और अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से मसाज करना है। इसे आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। एंड ऑल्सो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसे मसाज कर रही हूँ, इन द सेम वे यू हैव टू डू इट। सो गाइज, जब आप इस मसाज क्रीम को अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही रिलैक्सेशन लगेगा। एंड ऑल्सो आपको इसे अपनी आईज पे अप्लाई नहीं करना है, इसे आपको रिलैक्सिंग एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करना है। जब आप इसे मसाज करते रहेंगे तो आपके हाथों से एक वॉर्म्थ निकलेगी, जिससे जो ये क्रीम है वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करेगी हमारी स्किन में, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक गैजेट का यूज़ करते हैं इस क्रीम को पेनिट्रेट करने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसे अपने नेक पे मसाज कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से अप्लाई करना है अपनी नेक पे और फेस पे। एंड आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी का होता जाएगा जैसे जैसे इसे आप मसाज करेंगे। एंड ऑल्सो ये हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा रेडियंट ग्लो देता है। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं 15-20 मिनट बाद ये क्रीम जो है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है और काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया है। तो अब आते हैं 5th स्टेप में, जो कि है वाइटनिंग सीरम। तो इस तरह को आपको छोटा सा प्लास्टिक का ये कंटेनर मिलता है जिसमें आपको वाइटनिंग सीरम मिलता है। तो इसे आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। तो गाइज, इस वाले वाइटनिंग सीरम को आपको टैपिंग मूवमेंट में मसाज नहीं करना है, आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और इसे एब्जॉर्ब होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब आते हैं 6th और 7th स्टेप में, क्योंकि ये आपको ये 2 पाउच दिए गए हैं अलग अलग और इसे आपको एक साथ मिक्स करके एक मास्क बनाना है और तब चेहरे पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मास्क पाउडर 20-30। इसे आपको पूरा बोल में खाली कर लेना है। ये येलो कलर का आपको पाउडर मिलता है। उसके बाद आपको लेना है फेशियल पावर मास्क जेल, तो इसे भी आपको उस पाउडर में मिक्स करना है अच्छे से और तब अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो गाइज, आपको ये वाला स्टेप थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि अगर आपने इस मास्क को बोल में ज़्यादा देर के लिए मिक्स किया तो ये बोल में ही सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी अपने फेस पे और नेक पे इसे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो गाइज, जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड में है, तो आपको इतनी तेज भी नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्ट क्विकली काम करना है। एंड ऑल्सो गाइज, जो ये वाला मास्क होता है इसे आप अपने लिप्स में और आइज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कूलिंग और रिलैक्सिंग टाइप का लगेगा। तो गाइज, मैंने सिर्फ ये मास्क को अपने चेहरे पे अप्लाई किया है, लेकिन आप अपने नेक पे भी ज़रूर इसे अप्लाई करें। और क्योंकि मुझसे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसे सिर्फ फेस पे अप्लाई किया है। और इसको आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा ही कूलिंग सेंसेशन इससे आपको मिलेगा। और धीरे से ये 10-15 मिनट के बाद ही ये जो मास्क है वो सेट होने लगेगा, रबर की तरह सेट हो जाएगा, तब आपको इसे रिमूव कर देना है। एंड ऑल्सो गाइज, जब आप इस मास्क को हटाएंगे तो जैसे कि ये मास्क आपके आईब्रोज में, आई लैशेज में और बालों में लग जाएगा, तो इसको रिमूव करते टाइम आपके चेहरे पे कहीं पे भी कोई पेन नहीं होता है और आप देख सकते हैं एक रेडिएंट ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 8 में, जो कि है एरबुटिन सीरम। तो आपको ये सीरम अपने फेस पे अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। सो गाइज, आपको ये वाला सीरम अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है जब तक ये अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो गाइज, ये सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब आते हैं 9th स्टेप में, जो कि है एरबुटिन पाउडर। तो आपको मिलता है एरबुटिन पाउडर मास्क का ये पाउच। इसको आपको एक बोल में निकाल लेना है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है और इसको आपको पानी के साथ मिला करके इसका पेस्ट बनाना है और तब अपने फेस और नेक पे इसे अप्लाई करना है।
और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आर्ब्यूटिन पाउडर और वाटर का जो रेशियो है वो आपको 1:2 का रखना है। आप इसे बहुत ज़्यादा थिक या फिर बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का ना बनाएं। सो गाइज, जो ये आर्ब्यूटिन पाउडर मास्क है इसे आपको अपने आइज़ के ऊपर नहीं अप्लाई करना है, एंड ऑल्सो इसी तरह से अप्लाई कर लीजिए आप अपने फेस और नेक पे। और इस वाले मास्क को भी आप जब 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे अपने चेहरे पे तो ये रबर की तरह बन जाएगा, तब आपको इसे पील कर देना है। सो गाइज, इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे ऐसे ही छोड़ देंगे और जैसे ही ये रबर कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो तब इसे रिमूव करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज, बी केयरफुल, इसे आप अपने आईज से दूर से ही अप्लाई करें। तो ड्राई हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है और 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। और इसे भी रिमूव करने में आपके हेयर्स में या फिर कहीं पे भी आपको कोई भी पेन नहीं होगा और ये इजीली रिमूव हो जाएगा अगर आपने एक इवन लेयर अप्लाई किया होगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे इसकी थिन लेयर अप्लाई हो गई है तो इस वजह से ये इस तरह से लगा रह गया है। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा इसे रिमूव करने में, लेकिन आपको कोई पेन नहीं होगा इसे रिमूव करने में। सो गाइज, अब आते हैं 10th स्टेप में, जो कि है लास्ट स्टेप, और इसमें आपको अप्लाई करना है वाइटनिंग क्रीम SPF 30। तो ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करती है और ये हमारे फेशियल को लॉन्गर टाइम तक के स्टे करने में हेल्प करती है। एंड ऑल्सो गाइज, जितनी क्वांटिटी इसमें दी गई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको इसका बहुत ही थोड़ा सा ही पार्ट अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं जितना मैंने ऐसा एक मॉइस्चराइज़र क्रीम जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आपको बस उतना ही लेके अप्लाई करना है और अच्छे से फेस और नेक पे मसाज कर लेना है। सो गाइज, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले मेरा चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल एंड ड्राई लग रहा था और अब मेरे चेहरे पे एक रेडिएंट ग्लो आ गया है, डीपली हाइड्रेटेड लग रहा है। एंड ऑल्सो इसने पिगमेंटेशन एंड टैनिंग को अच्छे से रिमूव करा है, जो डेड स्किन होती है हमारे चेहरे पे वो भी रिमूव हो गई है। सो आई रियली लाइक दिस ग्लो, और मुझे पर्सनली लेकिन O3 प्लस का विटामिन सी ब्राइडल फेशियल ज़्यादा पसंद है। तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर टैप करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे चेहरे पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आता है। और इस प्रोडक्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो डू चेक इट आउट। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज़।